जानिए कैसा था दुनिया का पहला टैक्स मैसेज। अब 1,71,00,000 में हो रही है इस मैसेज की नीलामी। साथियों अटकेले मन के एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों टैक्स मैसेज इन दिनों काफी आम हो गए हैं। व्हाट्सएप ईमेल के साथ साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर एक दिन में अनगिनत टैक्स मैसेज भेजे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह आखिर कौन सा पहला मैसेज था जो सबसे पहले बार ऑनलाइन भेजा गया था और कब भेजा गया था। यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं हम आपको बता दें, दुनिया का पहला टैक्स मैसेज 30 साल पहले सन 1992 में भेजा गया था। यह संदेश आज भी बहुत खास है, इसे संरक्षित करके रखा गया है। अब इस टैक्स मैसेज को 21 दिसंबर को नीलाम भी किया गया था। आइए दुनिया का पहला टैक्स मैसेज भेजने वाली कंपनी वोडाफोन थी, जिसने अपने ही नंबर पर दुनिया का पहला टैक्स मैसेज किया था। इस मैसेज को भेजने वाला भी वोडाफोन का ही एक कर्मचारी था। दरअसल कंपनी के इंजीनियर नील पावर द्वारा रिचर्ड जर्विस को न्यूबरी वॉर्कशायर में पहला टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था। दोस्तों नील पावर ने पहला टेक्स्ट मैसेज 3 दिसंबर सन 1992 को भेजा था। 22 वर्षीय पेपवर्थ वोडाफोन के लिए शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS पर काम कर रहे थे। पेपवर्थ का पहला संदेश क्रिसमस की बधाई के बारे में था। इस तरह वह दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज बन गया। यह मैसेज सिर्फ 14 कैरेक्टर का ही था। यह पहला टेक्स्ट मैसेज था और इसमें लिखा गया था मैरी क्रिसमस। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस टेक्स्ट मैसेज की नीलामी 21 दिसंबर को हुई। इस मैसेज की नीलामी फ्रांस के अगुट्स ऑक्शन हाउस में की जा रही थी। इस टेक्स्ट मैसेज को क्रिप्टो करेंसी के साथ भी खरीदा जा सकता था। इस टेक्स्ट मैसेज की नीलामी की बोली 1,71,00,000 रुपए में नीलामी की लिस्ट में लगाई गई थी और जो भी उच्चतम बोली लगाया था उसको इसकी डिजिटल फाइल प्राप्त होती, जिसमें टैक्स संदेश भेजने वाले को लाभकर्ता के बारे में पूरी जानकारी मिलती। दोस्तों क्या आप भी आज से पहले इस बारे में जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे द्वारा आपको जो जानकारी दी जा रही है आप उसे भरपूर लाइक और कमेंट भी करेंगे और अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करेंगे। साथियों इसी के साथ अलविदा चाहूंगा, मिलते हैं अपने एक और अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।